हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमर तो वेलकम टू माय चैनल फिल्म न्यूज एंड रिव्यूज। एनिमल तो ब्लॉकबस्टर है, इसके बारे में कोई डाउट नहीं, लेकिन एक मूवी ब्लॉकबस्टर होने के लिए सिर्फ उसका स्क्रीन प्ले अच्छा है, उसका एक्टिंग अच्छा है, उसकी बीजीएम अच्छा है, उसका सॉन्ग अच्छा है, ये सब से नहीं होता। उसके अलावा भी कई सारे चीज होता है, कई सारे रीजन होता है कि उसके ब्लॉकबस्टर होने से। ये जो मैंने रीजन बताया आपका स्क्रीन प्ले अच्छा है, स्क्रिप्ट अच्छा है, स्टोरी अच्छा है, एक्टिंग अच्छा है, इससे हिट हो सकता है, सुपर हिट हो सकता है, लेकिन ब्लॉकबस्टर होने के लिए इसके अलावा भी कई सारे रीजन होते हैं। तो उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा आप लोगों के साथ। और मेरे हिसाब से इसका सिर्फ चार ही रीजन मैंने निकाला है कि एनिमल किस वजह से ब्लॉकबस्टर है। पहला रीजन जो मुझे लगा, ये ए सर्टिफिकेट मिलना। देखिए, आप लोगों को कुछ अजीब लगेगा, लेकिन बात क्या है कि इस साल और एक मूवी को ए सर्टिफिकेट मिला था, ओएमजी पार्ट टू को, और ये मूवी भी ब्लॉकबस्टर है, क्योंकि लोगों के मन में ये उत्सुकता थी कि ऐसे तो ये अंडर 18 के लोग देख नहीं पाएंगे, बच्चे देख नहीं पाएंगे, तो सभी के मन में ये आप कह सकते इंटरेस्ट है, आखिर इस मूवी में ऐसा क्या है कि इसलिए इस मूवी को ए सर्टिफिकेट दिया गया है। जबको यहाँ पे कुछ इस प्रकार का सीन भी कुछ ज्यादा नहीं, एनिमल में ओ माय गॉड में था नहीं, तो और भी ऊपर से एनिमल का सोशल मीडिया में कई सारे आपका ट्रोलिंग हुआ कि ये आपका समाज के लिए खतरा है, पार्लियामेंट में भी बात हुआ, फिर आपका ये कहा गया कि ये लड़कियों को बुरी तरीके से दिखाया गया, इतनी ट्रोलिंग हुआ, इतनी इसके बारे में चर्चा हुआ है कि लोगों के मन में इंटरेस्ट ग्रो हुआ है कि आखिर इस मूवी में है क्या। तो इसी इंटरेस्ट की वजह से मूवी गोअर्स ने ये मूवी देखने गया, और उन लोगों के बाद उसके बाद जो हुआ उनको अच्छा लगा बुरा लगा वो आके कह रहा है, लेकिन जो प्रिलिमिनरी जो इंटरेस्ट पैदा हुआ है वो इसका रीजन ये एक है। ये बहुत बड़ा रीजन है कि इसका ज्यादा से ट्रोलिंग हुआ होना और ए सर्टिफिकेट मिलना। दूसरा रीजन मुझे लगता है, इस फिल्म की अगर फास्ट सीन आप देखेंगे, वहां पे बच्चा रणबीर स्कूल में, उनकी मैडम उनसे कुछ सवाल पूछ रहा है, तो अचानक वो देखता है कि दरवाजा में उसकी दो बहन खड़ी है, तो उसको याद आता है कि आज उनके पापा का बर्थडे, और आप वो भाग के निकलता है, लेकिन उनको मैडम उनको रोकता है, फिर उसे मारता है और नी डाउन करा देता है। उसके बाद बेल, छुट्टी का बेल होता है, मतलब क्लास का एंडिंग का बेल होता है, वो भाग के चला जाता है। फिर जब वो घर में जाता है तो देख पापा पापा करके सारा घर ढूंढता है, लेकिन उसको पापा नहीं मिलता, और बाद में जब रात में वो सो जाता है तो उसके हाथ में एक चिट्ठी है जहां पे वो अपने पापा को एक खत लिखता है। तो ये जो सीन है, इस सीन से ये मूवी का जो मकसद है यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कर दिया कि रणबीर कपूर अपने पिताजी को बेहद प्यार करते हैं, लेकिन अनिल कपूर अपने बिजी शेड्यूल की वजह से अपने बच्चों को वक्त नहीं दे पाता। तो इसीलिए जो पूरा जो फिल्म है, रणबीर कपूर ने जो भी बिहेवियर किया, अनिल कपूर ने जो भी बिहेवियर किया, ये पहले से समझा दिया गया था कि ये लोगों के पास दोनों के एक दूसरे को बेहद प्यार करते हैं, लेकिन इसके एक के पास वक्त नहीं है, दूसरे के पास वक्त ही वक्त है, लेकिन वो ये बात अनिल कपूर को समझा नहीं पा रहा है। तो ये जो रणबीर कपूर ने जो भी बिहेवियर किया है, इसके लोग एक्सेप्ट कर लिया इस वजह से, क्योंकि उनको पता है वो सिर्फ अपने पापा से प्यार करता है, तो इसलिए ये काम कर रहा है। तो ये जो रीजन है, ये एक रीजन है फिल्म को हिट करने, क्योंकि रणबीर कपूर ने कई सारे काम किया जो लोगों को नॉर्मली पसंद नहीं आना चाहिए था, लेकिन सिर्फ उन लोगों को इसलिए पसंद आया क्योंकि उन लोगों को ये पहले से समझ में आ गया था कि ये काम जो कर रहा है, ये कैरेक्टर ये इसलिए कर रहा है क्योंकि वो अपने पापा से बेहद प्यार करते हैं। तीसरा रीजन ये है कि ये एक रिवेंज स्टोरी है। इस साल आपका तीन मूवी जो ब्लॉकबस्टर हुआ है, पहले पठान, उसके बाद आपका ओ माय गॉड 2, उसके बाद आपका जवान, तीनों मूवी देखेंगे, तीनों मूवी रिवेंज स्टोरी था, और ये भी एक रिवेंज स्टोरी है। जब वो उनकी अनिल कपूर को कोई गोली मारता है, जब वो आके कहता है कि मेरे पापा को जिसने मारने की कोशिश की उसको मैं सामने से गला काटूंगा, तो लोग समझ जाता है कि अब इसका मकसद हो गया है, पापा को जिसने मारा है अब उसको मारना है। इसीलिए देखेंगे, जब सभी को पता है कि एक खलनायक होगा उसको मारना है, लेकिन वो किस तरह से मार रहा है ये भी लोग देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उन लोगों को ये रिवेंज देखना था, और आजकल लोग ये देखना पसंद कर रहे हैं, बिल्कुल 70 की तरह अमिताभ बच्चन की तरह। अमिताभ बच्चन की जितनी भी सुपरहिट फिल्म देखेंगे वो भी एक रिवेंज स्टोरी है। लोगों को रिवेंज स्टोरी देखना हमेशा पसंद होता है, क्योंकि लोग ये सोचते हैं जो गलत किया है उसको किस तरह से वो मारता है या किस तरह से पकड़ता है, ये देखना लोगों को हमेशा से पसंद रहा है, तो आज भी ये पसंद है, और ये मूवी भी एक रिवेंज स्टोरी है अल्टीमेटली, बाप बेटे का प्यार के अलावा, तो इसीलिए इस मूवी को लोगों ने पसंद किया। फोर्थ जो रीजन है मुझे लगता है, वो है रणबीर कपूर का कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर। आपका ये कह सकते हैं कि रणबीर कपूर का कई सारे शेड्स है, लेकिन एक्चुअल में क्या है,
रणबीर कपूर का जो कैरेक्टर है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है। लोग जब भी जो सोच रहा है कि ये कैरेक्टर इस प्रकार से बिहेव करेंगे, बिल्कुल उसके और तरीके से बिहेव कर रहा है। आप जरा सोचिए कि वो इतना मोरल है कि जब उनके भाई कुछ लड़कियों के साथ बात कर रहा है तो कह रहा है कि तुम्हारे वो बीवी है तो इस प्रकार से काम क्यों कर रहा है, और लेकिन वो खुद ही अपने बीवी होते हुए भी किसी दूसरे के साथ संबंध रख रहा है, फिजिकल संबंध रख रहा है, सिर्फ अपने पापा को वो जो मारने का कोशिश कर उसके बारे में जानने के लिए। तो ये जो कॉम्प्लिकेशन है इस कैरेक्टर में, लोग ये सोच रहे हैं कि ये कैरेक्टर इस प्रकार से बिहेव कर रहा है लेकिन कुछ अलग टाइप का बिहेव कर रहा है। हर जगह में देखेंगे शुरू से लेकर रणबीर कपूर का कैरेक्टर हमेशा ऑडियंस को शॉक देता गया है। उनकी जो कैरेक्टराइजेशन है कुछ अजीब तरीके से रखा है आपका संदीप भंगा रेड्डी ने, तो ये एक वजह है इस फिल्म को चलने का, क्योंकि लोग थ्रू आउट द फिल्म लोग ये उनकी कैरेक्टर को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या करेगा ये क्या करेगा, ये जो उत्सुकता है ये थ्रू आउट द फिल्म रहा, और ये एक मुझे लगता है जो आखिरी रीजन है इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर होने के लिए। और बाकी तो स्क्रीन पे अच्छा है, एक्टिंग अच्छा है, बीजीएम तो बहुत ही अच्छा है। तो ये सारे रीजन है, मुझे लगा ये जो चार रीजन मैंने आप लोगों को बताया, तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइए आप लोगों को क्या लगता है किस वजह से ये मूवी ब्लॉकबस्टर हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और नए नए अपडेट के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।